वेलकम टू बटरफ्लाई स्कूल कक्षा 7 हिंदी। आप आपकी हिंदी की स्वापोथी खोलिए, हम गृह कार्य देखने वाले हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1. कबीर किसे बुरा बताते हैं? सी लालच। 2. किसका स्वभाव सुप जैसा होना चाहिए? बी साधु का। 3. लोहार की धोकनी से लोहा क्या हो जाता है? ए भस्म। 4. गरीब की क्या व्यर्थ नहीं जाती? ए हाय। 5. प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? सी रहीम ने। प्रश्न 2. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. साधु ऐसा चाहिए जैसा खाली जगह सुभाए सूप। 2. तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग भांति भांति। 3. तुलसी खाली जगह गरीब की कबहू न खाली जाए हाय। 4. रहीमन खाली जगह प्रेम का मत तोड़ो चटकाए धागा। 5. कहीं रहीम खाली जगह हित संपत्ति संचय सुजानी परकाज। 3. सही वाक्यांश सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। प्रश्न 1. पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। क 2. बड़ों से प्रभावित होकर क छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1. खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? उत्तर: खजूर का पेड़ बड़ा होता है क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। 2. मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? मक्खी को सिर धुलने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने की लालच में पड़ती है। 3. गरीब की हाय से क्या होता है? उत्तर: गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। 4. सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर: सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। 5. प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? उत्तर: प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। 6. बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक आपका स्वापोथी में गृह कार्य पूर्ण हुआ। आज का आपका गृह कार्य स्वापोथी में ही है। प्रश्न 5 से 9 तक गृह कार्य कर लेना। इस गृह कार्य की जांच हम आगे के पीरियड में करेंगे।